पूरी तरफ, पूरी तरफ। ज्ञापन देने आए कि पुरानी मंडी के अंदर कुछ व्यापारी संघ है जो यूनियन उन्होंने बना रखी है, किशन जी गुप्ता करके यूनियन नेता जो है उनका नाम है, और वो लोग हमें जाति से लेके टॉर्चर करते हैं। हमारी जाति से लेके हमें ये कहा जाता है ये तो गुर्जर समाज के हैं, ये तो गंवार हैं, और हमें गायें जो हमारे सर हमारी गाय वगैरह है वो हम बरसों से पाल रहे हैं, हमारे परदादा दादा पालते हुए हैं, कोई आज की तो हम गाय वगैरह पालते नहीं है। उनका ये कहना क्या कहा जाता है कि आप लोग गाय पालते हो तो पुरानी मंडी से बाहर निकलो। सर पुरानी मंडी में ये तो नहीं है कि हम आज ही रहे हैं, पुरानी मंडी से हम बरसों रह रहे हैं, हमारा जन्म ही वहीं का है, हम बड़े हो गए, और इस तरीके से तो हम किसी की धमकी से डरेंगे नहीं, और यही हमारे गाय पालने का व्यापार है। और ज़्यादा हम हमारे हित में कुछ बोलते हैं तो प्रशासन को हमारे खिलाफ ये कहा जाता है, ये असत्य बातें बोली जाती है कि तो गुर्जर लोग हैं, ये हमें आके रिवॉल्वर की धमकियाँ देते हैं, ये हमें मारने की धमकियाँ देते हैं, और प्रशासन एक तरफा काम कर रही है, दोनों पक्षों में नहीं है। बस इसीलिए फिर ज़्यादा अति होने के कारण हमने हमारी श्री देवसेना जो हमारे गुर्जर समाज की यूनियन बनी हुई है श्री देवसेना, हमने उनको बुलाया और हमारा समाज आज पूरा हमारे सपोर्ट में है। मैं अपने समाज का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ये लोग अपनी दादागिरी करना बंद करें। ये लोग सोचते होंगे कि गुर्जर एकता नहीं है, गुर्जरों में एकता नहीं है, ये इनकी गलत फहमी है। हम दादागिरी करना नहीं चाहते, हम हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस तरीके से हमें परेशान नहीं करा जाए वरना इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। आप समझदार हो, समझ जाएं, नहीं तो फिर हमें समझाना बहुत अच्छे से आता है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या दिया? सर दिया था, उन्होंने कहा था जांच पड़ताल होगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पे आए तो वो हमारी सुनेंगे। हमने मैम को भी कहा था, मैंने भी कहा था कि बस इन लोगों से यही है कि सर जो प्रशासन है वो एक तरफा बोल रहा है, ये मार्केट वालों के लिए बोल रहा है, उन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। गायों का बाटा चूरी लेके आते हैं तो वो लोग हमारे से इतनी एबलाइयाँ कर रहे हैं कि बीच के अंदर लोहे के पिल्लर खड़े कर देते हैं, और हमें ये चीज़ बोली जाती है कि इधर से कुट्टी बातें नहीं ले जाएंगे। सर ये पहले क्यों नहीं था और अभी अब क्यों, और यूनियन के नेता बन गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आम जनता को परेशान करेंगे। हाँ यदि हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, हमारे घरों के पास जो लोग रहते हैं, जो गलियों में लोग रहते हैं, उनको यदि ऑब्जेक्शन होता तो हम मानते थे हम जिम्मेदार हैं। हमारे जो गलियों में रहते हैं उनको हमारी गायों उसके ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ मार्केट वालों को ऑब्जेक्शन है। ये लोग जाते हैं कानजोत में करते थे, इन लोगों को क्या पता है कि गुर्जर जाति तो कमा के इनसे खाती है। एक गाय को छुड़वाने के 3,000 रुपये लगते हैं जो ये लोग क्या अपने घर से देंगे, फिर हमें बाजार करने की धमकियां देते हैं, ये बाजार बंद कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब पैसे वाली पार्टियां एक एक महीना बंद भी कर देगी तो इनके कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, लेकिन हम गुर्जर जाति सिर्फ गायों से ही कमा के खाते हैं। हमने एक दिन गायों को नहीं खिलाया पिलाया, एक दिन गायों का दूध नहीं निकाला तो हमारे तो शाम को घर में खाना नहीं है। हम ये काम करेंगे, गाय पालेंगे, गाय अभी नहीं, हमारी जाति को ही वरदान है गाय पालने का। हम किसी से नहीं डरेंगे, और हम मीडिया से, प्रशासन से, सभी से ये निवेदन करते हैं कि हमारा आप साथ दें। और सर बस यही बात, सर संगीता गुर्जर।